हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि आप सबके नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने चैनल पर आप सबके लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे चैनल पर आप सबके नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मार्गदर्शन बैच शुरू किया गया है। इस बैच के अकॉर्डिंग हम आपको नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर प्रकार की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण पर्यायवाची करवाने चल रहे हैं। जो भी आपके गद्यांश होते हैं हिंदी के, उसमें गद्यांश ही क्वेश्चन में कभी कभी हमसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरा या वाक्यांश पूछ लेता है। तो उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, उन्हीं को हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने अभी तक हमारे चैनल 2020 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा कर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका फर्स्ट वर्ड है अम्बा। इसका पर्यायवाची क्या है? माता, जननी, माँ, जन्मदात्री और प्रसूता। तो अम्बा का पर्यायवाची क्या क्या है? माता, जननी, माँ, जन्मदात्री और प्रसूता। ये अम्बा की आपके पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है आपका छुट्टी। अगला वर्ड क्या है बच्चों? छुट्टी। इसका पर्यायवाची का क्या क्या है? अवकाश, फुर्सत, विश्राम, विराम और रुखसत। तो छुट्टी का पर्यायवाची क्या क्या है? अवकाश, फुर्सत, विश्राम, विराम और रुखसत। ये आपके अवकाश के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है जल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जल। इसका पर्यायवाची क्या क्या है? नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पानी, पय, अम्बु, अम्भ, रस, आब और वारी। इतने ज़्यादा आपके जल के पर्यायवाची हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इसको आप नोट कर ही लीजिएगा कि जल का पर्यायवाची क्या क्या है? नीर, सलिल, जीवन, तोय, उदक, पानी, पय, अम्बु, अभ, रस, आब और वारी। ये सब आपके जल के पर्यायवाची हैं। अगला वर्ड है आपका जिह्वा। अगला वर्ड क्या है बच्चों? जिह्वा। इसका पर्यायवाची क्या क्या है? जीभ, रसज्ञा, रसा, जबान, रसिका, रसना और वाचा। तो जीभ का पर्यायवाची क्या क्या है? जीभ का पर्यायवाची है जीभ, रसज्ञा, रसा, जबान, रसिका, रसना और वाचा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आपका नेक्स्ट वर्ड है बच्चों चंद्रमा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? चंद्रमा। इसका पर्यायवाची क्या क्या है? सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ और सुधांशु। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या है बच्चों? सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ और सुधांशु। हम आपको जितने भी पर्यायवाची करवा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप अगर हमारे वीडियोस को लगातार नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं बच्चों। तो आप हमारे सभी वीडियोस को रेगुलरली बेसिस पे देखते रहिए और एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आज का आपका नेक्स्ट वर्ड है चमक। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? चमक। ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि और आभा। चमक का पर्यायवाची क्या क्या है बच्चों? चमक का पर्यायवाची है आपका ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि और आभा। ये सब आपके चमक के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट है झूठ। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? झूठ। इसका पर्यायवाची क्या क्या है? झूठ का पर्यायवाची है आपका मिथ्या, अनृत, मृषा और असत्य। झूठ का पर्यायवाची मिथ्या, अनृत, मृषा और असत्य। देखिए आपको सभी पर्यायवाची तो याद नहीं होंगे बच्चों, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपको वो वर्ड याद रहे। जब आप उसे देखें अपने सामने तो आपको समझ में आ जाएगी कि यही वर्ड आपका पर्यायवाची होगा। आप सभी वर्ड्स को ध्यान से देखिए और हमारे प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए और वीडियो को मैक्सिमम एक या दो बार तो पक्का देखिए ताकि आपको जो भी वर्ड याद ना हो या जो भी वर्ड डिफ़िकल्ट लग रहा हो उसे याद करने में आसानी हो जाए।
चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट वर्ड है झरना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? झरना। इसका पर्यायवाची स्रोत, झर, प्रपात, सोता और निर्झर। झरना का पर्यायवाची क्या है बच्चों? झरना का पर्यायवाची है स्रोत, झर, प्रपात, सोता और निर्झर। ये सब आप झरना की पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है बच्चों लक्ष्मण। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लक्ष्मण। इसका पर्यायवाची क्या क्या है? लखन, सौमित्र, शेष और अनंत। तो लक्ष्मण का पर्यायवाची क्या क्या है बच्चों? लक्ष्मण का पर्यायवाची है लखन, सौमित्र, शेष, अनंत। ये सब आपके लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है लज्जा। नेक्स्ट वर्ड क्या है बच्चों? लज्जा। इसका पर्यायवाची देखते हैं, लज्जा का पर्यायवाची है संकोच, लाज, हया, शर्म। लज्जा का पर्यायवाची क्या क्या है? संकोच, लाज, हया और शर्म। ये सभी आपके लज्जा के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अचल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अचल। इसका पर्यायवाची देखिए, अचल का पर्यायवाची अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़ और अविचल। तो अचल का पर्यायवाची क्या क्या है बच्चों? अचल का पर्यायवाची है अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़ और अविचल। ये सभी आपके अचल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अंबर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अंबर। इसका पर्यायवाची क्या क्या है? आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ। अंबर का पर्यायवाची क्या क्या है बच्चों? अंबर का पर्यायवाची है आकाश, आसमान, गगन, फलक और नभ। ये सभी आपके अंबर के पर्यायवाची हैं। तो अंबर का एक पर्यायवाची आपका शून्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। बाकी आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ, ये सब आपको पता ही होगा। आपका नेक्स्ट वर्ड है बच्चों आयुष्मान। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आयुष्मान। इसका पर्यायवाची देखते हैं, चिरंजीवी, दीर्घ जीवी, सतायु और दीर्घायु। तो आयुष्मान का पर्यायवाची क्या क्या है? आयुष्मान का पर्यायवाची है आपका चिरंजीवी, दीर्घ जीवी, सतायु और दीर्घायु। ये सभी आपके आयुष्मान के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आपका नेक्स्ट वर्ड है अंतरिक्ष। नेक्स्ट वर्ड क्या है? अंतरिक्ष। इसका पर्यायवाची खगोल, नभमंडल, गगनमंडल और आकाशमंडल। ये आपके अंतरिक्ष के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष के पर्यायवाची मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ बच्चों, खगोल, नभमंडल, गगनमंडल और आकाशमंडल। ये आपके अंतरिक्ष के पर्यायवाची थे। आपका लास्ट वर्ड है बच्चों आकाश। लास्ट वर्ड क्या है? आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची देखते हैं, देखिए आकाश एक बार फिर से आया था, यानी आप यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि आकाश का पर्यायवाची आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप रट ही लीजिएगा। तो आकाश के पर्यायवाची में क्या क्या है देखते हैं। पहला तो आपका है नभ, फिर अनंत, फिर अभ्र, फिर पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन, अंबर। तो आकाश के पर्यायवाची क्या क्या है? नभ, अनंत, अभ्र, पुष्कर, शून्य, तारापथ, अंतरिक्ष, आसमान, फलक, व्योम, दिव, खगोल, गगन और अंबर। तो ये सब आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको अंबा से लेकर के आकाश तक के पर्यायवाची करवाए हैं। इसके आगे हम आगे के पर्यायवाची अपने आगे के वीडियोस में करवाएंगे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये जो हम आपको पर्यायवाची करवा रहे हैं वो आपकी परीक्षा में अलग से नहीं पूछा जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी परीक्षा नवोदय विद्यालय की परीक्षा में बच्चों चार गद्यांश आते हैं। कितने गद्यांश आते हैं? चार गद्यांश। प्रत्येक गद्यांश में एक पांच पांच क्वेश्चन होते हैं, तो चार गद्यांश में कितने क्वेश्चन हो गए? 20 प्रश्न। यानी हिंदी से रिलेटेड आपके कितने प्रश्न आएंगे बच्चों? 20 प्रश्न आएंगे। इन्हीं 20 प्रश्नों में तीन या फिर चार कुछ भी कह दीजिए, तीन या चार प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें आपके पर्यायवाची, विलोम, शब्द, वाक्यांश और मुहावरा पूछा जाएगा। तो इन्हीं तीन चार नंबर के लिए आपको ये पर्यायवाची की लिस्ट याद करनी है। इसके बाद हम आपको विलोम शब्द और मुहावरा करवाएंगे। तो आप इसी तरीके हमारे चैनल पर बने रहें बच्चों।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम यही करिए, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।